अपने प्रशिक्षण वर्ग के दूसरे दिवस की वंदना सभा में आप सभी का स्वागत है। कल दिन भर हम लोगों ने जो तकनीकी का उपयोग है शिक्षा में, इस संबंध में इसके लिए एक अच्छा अभ्यास किया है। बहुत सारी चीज़ें हम सबको स्पष्ट हुई होंगी। आज की वंदना सभा में हम सबके मध्य न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश वरुण देश के हजारों ऐसे कार्यकर्ता जो शिक्षा और समाज के लिए समर्पित जीवन जी रहे हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के प्रेरक मार्गदर्शक, संघ के वरिष्ठ प्रचारक और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय हेमचंद जी हम सबके साथ हैं। हम में से सभी बंधु परिचित हैं, पिछले 1.5 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं। वो हम सबका स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं। इसके पहले जैसा कल परिचय हुआ, तो उत्तर क्षेत्र का काम आपके पास था। अनेक वर्षों तक विद्या भारती के राष्ट्रीय मंत्री रहे, खेल संगीत जैसे अनेक विषयों का मार्गदर्शन किया है। वर्तमान में भी जो विद्या भारती का खेल परिषद है, खेल का सारा आयोजन रहता है, उसके राष्ट्रीय मार्गदर्शक हैं। लखनऊ केंद्र है, यहाँ रह करके संपूर्ण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का, सब प्रकार के कामों का विद्या भारती के आप मार्गदर्शन करते हैं। आज हम सबके साथ हैं। अपने अब तक के कामों की थोड़ी समीक्षा करेंगे और एक कार्यकर्ता के नाते जो आवश्यक बातें हैं वो सब भी हम सबके साथ साझा करेंगे। बगल में बैठे आदरणीय डॉक्टर शैलेश मिश्र बहुत पुराने कार्यकर्ता स्वयंसेवक हैं। अनेक वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आपने काम किया। बस्ती के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे गणित विभाग के, बाद में अवकाश प्राप्त करने के बाद अनेक वर्षों तक भारतीय शिक्षा समिति पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसमें विद्या भारती के चारों प्रांतों का जो स्टेट बोर्ड के विद्यालय हैं, जो आजकल काशी प्रांत का मार्गदर्शन करती है, तो पहले वो चारों प्रांतों का काम देखती थी स्टेट बोर्ड के विद्यालयों का, उसके माननीय मंत्री रहे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप इस कोरोना काल में और जब पूरे समाज में भय व्याप्त है कि भाई घर से निकलेंगे तो पता नहीं कहाँ से आ जाएगा कोरोना, अदृश्य महामारी है, किधर से चिपट जाएगा कोई पता नहीं है, कहीं से भी आ सकता है, किसी से भी आ सकता है। हम सब लोग यहाँ बैठे हैं पता नहीं किस में है, किसी को कोई पता नहीं है। जैसे भगवान सब जगह व्याप्त रहते हैं ना, वैसे कोरोना भी कहीं कहीं व्याप्त हो जाता है, किसी के अंदर हो जाता है। इसलिए आप सब लोग हिम्मत करके हमारे बुलाए पर यहाँ आए हैं। इसमें आपकी जो हिम्मत है उस हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुझे लगता है कि हम काफ़ी सभी अनुभवी आचार्य हैं अपने अपने विद्यालयों के। और कल जैसे बताया कि इससे पहले कानपुर प्रांत का इस प्रकार का वर्ग हो गया है, ये दूसरा वर्ग काशी प्रांत का है, और काशी प्रांत के बाद में गोरक्ष प्रांत का होगा, फिर इस अवध प्रांत का होगा। उससे पहले अवध के महानगर, अवध ये जो लखनऊ महानगर है,
इस लखनऊ महानगर के कुछ आचार्यों का इस प्रकार का एक कार्यक्रम हुआ। तो आप जो है यहाँ आए हैं और आपको एक निश्चित उद्देश्य से बुलाया है। आप लोगों ने अनेकों प्रकार के प्रशिक्षण किए होंगे, संकुल के अनुसार विकास वर्ग लगता है, पुनश्चर्या वर्ग लगता है, ऐसे सब वर्ग लगते हैं। आप मुझे लगता है कि आप कोई ना कोई वर्ग में अवश्य रहे होंगे। तो एक तो विषय ये है कि हम सब लोग यहाँ आए हैं तो एक प्रकार का प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। हम सब जानते हैं प्रशिक्षण क्यों करना, प्रशिक्षण से क्या होता है। तो प्रशिक्षण से तीन चार प्रकार की अपेक्षाएं होती हैं। जब हमारे आचार्य प्रशिक्षण की बातचीत करते हैं तो तीन चार प्रकार की अपेक्षाएं आती हैं, भी ये प्रशिक्षण में होना चाहिए। प्रशिक्षण करने के बाद में आचार्य को ये जानकारी में आना चाहिए, ऐसा आचार्य हो जाना चाहिए। तो उसमें पहली बात है कि कहीं भी जाता है, कोई भी जाता है, तो प्रशिक्षण के द्वारा अगर आज जो ज्ञान अपने अंदर है, इस समय जो अपने अंदर ज्ञान है, तो चार दिन का, पाँच दिन का, तीन दिन का, दो दिन का, आठ दिन का, दस दिन का, बीस दिन का, चालीस दिन का, महीने का, ये प्रशिक्षण करने के पश्चात में उसके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई है, ये पहला उद्देश्य है प्रशिक्षण का। अगर वो आया है आठ दिन बाद, उसके ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं हुई, कोई बड़ा नहीं ज्ञान, वैसा का वैसा ही रहा, कोरे के कोरे ही रह गए, तो क्या कहा जाएगा? या तो उसमें क्षमता नहीं थी जो ज्ञान प्रशिक्षण करने के लिए आ रहा है, दूसरा जो प्रशिक्षण करने वाले हैं उनका मूल्यांकन है कि भी वो ठीक से प्रशिक्षण नहीं दे पाए, ज्ञान नहीं बढ़ा पाए, ये दोनों बातें हैं ना। तो पहला है कि ज्ञान बढ़ना चाहिए, जिस स्थिति में हम हैं उसका, उस दृष्टि से विषय का ज्ञान बढ़े। दूसरा उद्देश्य है कि ज्ञान तो होता है लोगों के अंदर, आप में से भी, जब मैंने वो सारा देखा, कोई MSc हैं, MSc बीएड हैं, BA बीएड भी हैं, तो ऐसे MA हैं, तो ऐसे हम अपने विषय के मास्टर हैं, ये तो पक्की बात है। चाहे हम फिजिक्स में होंगे, चाहे केमिस्ट्री में होंगे, चाहे मैथमेटिक्स में होंगे, अंग्रेजी में, हिंदी में, सामाजिक विषय में हैं, हमको अपने विषय की जानकारी तो है, इसलिए हम आचार्य बने। अब विषय की जानकारी होने के पश्चात में दूसरा क्या आवश्यक है आचार्य के लिए भी, बाकी लोगों के लिए, और इस प्रशिक्षण में जो प्रशिक्षण होता है उसका उद्देश्य भी क्या है? तो विषय का ज्ञान होने के बाद में उस विषय को हम चार लोगों के बीच में रख सकें। चार लोगों को अगर हम विषय रखते हैं तो हमारा जो ज्ञान है वो उनके समझ में आना चाहिए, जिसको शिक्षण कहते हैं, माने समझाने की क्षमता आचार्य के अंदर है, और इसको सामान्य भाषा में कौशल कहते हैं, स्किल कहते हैं। तो अगर प्रशिक्षण के द्वारा आचार्य को के कौशल में विकास होता है, जो शिक्षण तकनीकी है, शिक्षण करना है, वो कला है, जो भी है उसमें उसका विकास होता है, वो उसको यदि आता है, माना यहाँ कल PPT के बारे में बताया होगा आपको, अभी तक आप में से कई लोग PPT जानते होंगे बनाना, कई लोग नहीं जानते होंगे। अगर हमको PPT बनाना आ गया, कुशलता से आ गया, तो हमारा कौशल का विकास हो गया। आज जैसे हम PPT बना रहे हैं यहाँ प्रशिक्षण के बाद में, हमको और अच्छी ठीक प्रकार से PPT बनानी आ गई, तो हमारे कौशल का विकास हो गया। तो जिसके लिए भी हम आ रहे हैं, अगर माना केवल आचार्य प्रशिक्षण होता और उसमें शिक्षण विधि का प्रशिक्षण होता है, तो मेरा शिक्षण करने में मेरी कौशलता बढ़नी चाहिए। माना हम कहते हैं पंचवदी शिक्षण पद्धति के लिए हम कोई वर्ग लगा रहे हैं, तो मेरे को पंचवदी के अनुसार से क्लास लेना ठीक प्रकार से आ गया, वो कौशल है। तो वो कौशल का विकास होना चाहिए। अगर कौशल का विकास नहीं हो रहा है तो ठीक नहीं है, तो प्रशिक्षण में दूसरा है कौशल। और तीसरा सामान्यतः व्यवहार के बारे में बात आती है, तो व्यवहार उसका बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, हम सामूहिक यहाँ रह रहे हैं तो सामूहिक जीवन क्या होता है, एक दूसरे से हमको कैसे बातचीत करना है, उठना कैसे, बैठना कैसा, ये सब ये व्यवहार की बातें हैं। और व्यवहार में अगर हम कहेंगे तो सामान्यतः व्यवहार के गुण आते हैं उसमें। तो मेरे अंदर गुणों का
विकास हुआ है, गुण बढ़े हैं मेरे अंदर, तो सबसे पहले संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता होती है अगर किसी ने अपना विकास करना है तो। अन्यथा हम आचार्य हैं, जैसा भी हो जाएगा, प्रधानाचार्य ने, प्रबंध समिति ने या प्रांत के लोगों ने पता नहीं कैसे मेरा नाम सूची में डाल दिया और मजबूरी में आना पड़ा, नहीं आता तो पता नहीं इंक्रीजमेंट ही रोक देते, पता नहीं कोई अनुशासनहीनता का पत्र ही दे देते, स्पष्टीकरण ही मांग लेते, इसलिए यहाँ आया ही हूँ, अब जैसे तैसे 5 दिन कट ही जाएँ, ऐसा भी मन में हो सकता है। तो वहाँ जाके हम कह ही देंगे वहाँ कुछ नहीं था, ऐसा ही था, खाली 5 दिन बेकार हो गए जी, कर्मचारी को ये भी बता सकते हैं। जो संकल्पबद्ध होगा वो कहे भाई साहब बहुत अच्छा नया प्रयोग था, वो बाद में आपका अनुभव जब समापन वाले दिन आएगा उससे पता लगेगा। तो इसलिए संकल्प हो बद्ध होकर के यहाँ की व्यवस्थाओं में ठीक प्रकार से सहयोग करते हुए अपनी जो है आवश्यकताओं को कम करते हुए तपमय जीवन व्यतीत करते हुए अगर हम रहेंगे तो आनंद में रहेंगे, ये वर्ग ठीक प्रकार से चलेगा। तो एक तो पहला तो यही है कि हम प्रशिक्षण में आए हैं तो हमको यहाँ से सीख के जाना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग जो भी यहाँ प्रयत्न चल रहा है, जो अपने लोग लगे हैं काम में, वो जो भी सिखाएंगे उसको हम ठीक प्रकार से सीख करके जाएंगे। कल संभवतः आपको सब बताया ही होगा PPT अब अच्छी ठीक प्रकार से बनानी सीखनी है, उस PPT में हमने वीडियो कैसे डाउनलोड करना है, अगर YouTube के अंदर वीडियो पढ़ा हुआ है तो हम कैसे उसको अपने उसमें डालेंगे PPT में, इस सब प्रकार की चर्चा आपको कर रही की होगी और इसी दिशा में आपको आगे बढ़ा रहे होंगे। आप में से कई लोगों को आता भी होगा और जिनको आता है वो ठीक प्रकार से और अच्छी तरह से सीख करके यहाँ से जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और जैसे कल सौरभ जी ने एक विषय लिया था कि अभी तक हम अपने विद्यालय में ही पढ़ाते हैं तो हमको विद्यालय के बच्चे जानते हैं, हमको विद्यालय के अभिभावक जानते हैं, इससे अधिक तो हमको कोई जानता नहीं अभी। लेकिन अभी हम जब यहाँ ये इस काम में लगे हुए हैं, 2-3 दिन के पश्चात में 1 या 2 आपकी वीडियोग्राफी कराएंगे, आपका वीडियो बनवाएंगे, जब तक आप ट्रेंड हो जाएंगे जब, तो अब वो वीडियो होने के पश्चात में उसको हम जो है यहाँ ऑनलाइन शिक्षण में प्रयोग करेंगे। अब शिक्षण में प्रयोग करने के पश्चात में अभी तक आपके आज बच्चे ही आपको जानते थे, आपके अभिभावक जानते थे, लेकिन अभी आपका वीडियो तो अपने जो पूरी उत्तर प्रदेश में हमारे जो 1100 विद्यालय हैं उन 1100 विद्यालयों में जाएगा, लाखों बच्चों के बीच में जाएगा, इतने अभिभावक आपसे परिचित हो जाएंगे कि वे कौन पढ़ा रहा है। अगर आपका जो है वीडियो बहुत अच्छा है, आपकी पढ़ाई पढ़ाने का ढंग, पढ़ाने की शैली, ये सब बहुत अच्छी है, तो सब आचार्य बच्चे कहेंगे भाई ऐसा आचार्य होना चाहिए, बहुत सुंदर है, और आचार्य भी देखेंगे, तो आचार्य भी उस वीडियो को जब देखेंगे, उस क्लास को देखेंगे, तो उनके मन में भी आएगा ये कर रहे हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ, ये सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, इनने वीडियो अपलोड किया तो मैं भी तो कर सकता हूँ अपनी ऑनलाइन परीक्षा में, वो भी आपसे प्रेरित होंगे, बच्चों भी को भी अच्छा लगेगा। तो एक तो आप पूरी उत्तर प्रदेश में आप आचार्य इस नाते जाने जाओगे, दूसरा पहले भी चर्चा कर रहा था, आप बहुत अच्छा वीडियो होने के पश्चात में हम उसको YouTube में डालेंगे, इधर डालेंगे उधर डालेंगे, तो पूरी दुनिया पूरा देश आपको देखेगा। तो जो आज अभी आज आपकी पहचान है केवल विद्यालय तक सीमित है, तो आप अब विद्यालय की 4 दीवारी से बाहर निकलने वाले हैं, उसके द्वारा आप बाहर निकलोगे तो आपकी एक बहुत बड़ी पहचान एक बहुत अच्छे आचार्य के नाते होने लग जाएगी। तो हमारा यही दूसरा उद्देश्य है कि हमारे जो आचार्य हैं, हमारे आचार्य किसी से कम नहीं हैं, केवल उनको थोड़ा सा दिशा और अच्छी मिल जाए तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए प्रयत्न चल रहा है ये। नहीं तो जो कल इन्होंने बताया कि सौरभ जी में हम IITian भी हमने जोड़ रखे हैं, बड़े बड़े IIT में कोचिंग करने वाले पढ़ाने वाले वो भी हमारे इसके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा लेक्चर करवा देते हैं, हमको क्या दिक्कत थी, ये सब झंझट तो नहीं करना पड़ता। लेकिन हमको लगा कि नहीं, हमारे आचार्य आगे क्यों नहीं आ सकते, हमारे आचार्य भी आगे आने चाहिए। तो दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि आप अपनी पहचान बढ़ाएं और उसके साथ साथ में आपके अंदर निखार आए, आप सब इस प्रकार की जो आज ऑनलाइन शिक्षण की जो अब महत्ता बढ़ती जा रही है, सभी लोग कह रहे हैं जो नई शिक्षा नीति आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसके अंदर भी अब कुछ पार्ट जो है ऑनलाइन शिक्षण का ही रहेगा, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। अब आगे पता नहीं कैसी परिस्थिति देश की होती, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आज से पहले कोरोना काल से पहले हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसी भी शिक्षण हो सकता है, हम कम से कम हमारे विद्या भारती के विद्यालय में तो ये लगता नहीं था कि ऐसे भी शिक्षण हो सकता है।
तो ऑनलाइन वार्ता भी हो सकती है, ऑनलाइन बैठक भी हो सकती है, हमारी कल्पना में नहीं थी। हमको तो जो है पहले म्यूट करो अनम्यूट करो वही बड़े मुश्किल से समझ में आता था। जब हम बैठते थे तो वहाँ से बोलते थे ऐसा करो तो म्यूट हो जाओगे, ऐसे करो तो अनम्यूट हो जाओगे, अपनी वीडियो ऑफ करो, ये समझ में ही नहीं आता था। तो लेकिन धीरे 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 इस दिशा में जब आगे बढ़े तो अब सब सबके लिए सामान्य सी बातें हो गई। वो तो ऐसी ऑनलाइन जो शिक्षण है ये ऑनलाइन शिक्षण भी सामान्य होने वाला है आगे जा करके। लेकिन उसमें वही व्यक्ति टिकेगा, वही आचार्य सफल होगा जिसके अंदर कुछ हुनर आ जाएगा, जिसके अंदर कौशल आ जाएगा, जो नई नई चीज़ें ला करके जिसको नवाचार कहते हैं, इनोवेटिव कहते हैं, जो इनोवेटिव आचार्य होगा तो नवाचारी आचार्य होगा वही उसमें सफल होने वाला है। तीसरा उद्देश्य इसका है वो हमारे ध्यान में ठीक प्रकार से आ जाए, क्योंकि हमारी जो विद्या भारती है, विद्या भारती की जो शिक्षण पद्धति है, हम सब ने सुना है विद्या भारती की अभिनव शिक्षण पद्धति है, जिसका नाम क्या है आपके ध्यान में है ना, क्या नाम है उसका? विद्या भारती की अभिनव शिक्षण पद्धति क्या है, क्या नाम है उसका? हैं, पंचवदी शिक्षण पद्धति है ना, पंचवदी शिक्षण पद्धति। और कल भी विषय आया था, हमारे जय प्रताप जी ने भी लिया था वो विषय, तो बच्चों को खेल खेल में सिखाना, आर्ट इंट्रीगेशन का नाम लिया था इन्होंने अपने दिनेश जी ने। अब क्या है ये, वो आर्ट को जोड़ना है, आर्ट माना कला है। तो हम जो विषय प्रतिपादित करेंगे, हमने जिसको खेल खेल में शिक्षण कहा है, विद्या भारती ने कहा ना खेल खेल में शिक्षण है, अनुभव के आधार पर सीखता है व्यक्ति, कर करके सीखता है। तो अगर व्यक्ति करता है तो सीखता है, उसको अनुभव आता है। अगर वो जो दो तीन बातें होती हैं, जैसे माना हमसे कहा जाए कि भी तैरो, हमको बहुत बड़ी तैरने की यहाँ बिल्कुल ढंग बता दें, ऐसे हाथ करना पड़ता है, ऐसे पैर करने पड़ते हैं, उसमें छलांग मार दो तो तैरेगा कि डूबेगा? जिसने अभ्यास ही नहीं किया है वो तैरेगा कि डूबेगा? तो इसको कहते हैं अनुभव से सीखना, कर करके सीखना। इसलिए अपने वहाँ खेल खेल में शिक्षा की बात की है, तो ये जो खेल खेल की शिक्षा है यही अब जो है नई शिक्षा नीति में आया है, 5+3+3+4 में आया है। और दूसरा हमने उसको जोड़ा है कि भाई बच्चा जब पढ़ता है उसको शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो स्वावलंबी होना चाहिए, शिक्षा स्वावलंबन सिखाती है, ये हमने कहा हुआ है। विद्या भारती बहुत पहले से कहते हैं, शिक्षाविद भी कहते हैं। अब स्वावलंबन क्या है? अगर वो बचपन से ही कुछ विषयों में कुशलता उसको आती है तो अब वो नई शिक्षा नीति में 6 से जोड़ दिया है कौशल विकास। तो ये जो शिक्षा है पद्धति हमारी, ये पंचवदी शिक्षण पद्धति है। तो हम जब अपना पाठ अब देंगे, हम वीडियो बनाएंगे, जो भी करेंगे, पीपीटी बनाएंगे, वो पीपीटी वो पाठ हमारा पंचपदी के आधार पर बनना चाहिए। तो पंचपदी के आधार पर बनेगा वो अदिति से लेकर के कहाँ तक है, प्रसार तक है। प्रसार के भी दो भाग हैं, एक प्रवचन है और दूसरा स्वाध्याय है। तो ये 3-4 प्रकार के जो उद्देश्य हैं, ये उद्देश्य मैंने आपके ध्यान में लाने का प्रयत्न किया। हम इतना पक्का होकर के यहाँ 4 दिन में सीखें, आज का दिन लगा कर हमारे पास अभी 4 दिन बचे हुए हैं, इन 4 दिनों हम इस प्रकार का प्रयत्न करें।